आज हम समझेंगे ऑन साइट सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जहां पे बियरिंग कैपेसिटी निकालना है वहां कुछ डेप्थ तक एक्सकेवेट कर ले, फिर 150 mm साइज का कंक्रीट क्यूब लें और एक सर्टेन हाइट से उस एक्सकेवेटेड एरिया में कंक्रीट क्यूब को फ्री फॉल करवाएंगे। आपको देखने को मिलेगा कि क्यूब कुछ डेप्थ तक पेनिट्रेट कर गया है, कुछ इस तरीके से। आपको उसी पेनिट्रेशन डेप्थ को रिकॉर्ड कर लेना है। बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है R डिवाइडेड बाई A। यहाँ R है पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ सॉइल। जब आपने क्यूब को फ्री फॉल करवाया था तब वो पूरा पेनिट्रेट नहीं हुआ, जरूर सॉइल ने कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया होगा तभी ऐसा हुआ, ये वही रेजिस्टेंस है। और A है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। और अगर आपको सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकालना है तो इस बियरिंग कैपेसिटी को आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करते हैं। अब हम देखते हैं ये R हम कैसे निकाल सकते हैं। R हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ W है वेट ऑफ क्यूब और क्यूब का वेट को आप वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके निकाल सकते हैं। H है हाइट ऑफ फ्री फॉल, जितने हाइट से आपने कंक्रीट क्यूब को फ्री फॉल करवाया था ये वही हाइट है। और D है डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो आपने पहले रिकॉर्ड करके रख चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं।